हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ फिश करी यानी मछली का सालन बनाने की रेसिपी। मछली बनाते वक्त बहुत से लोगों की शिकायतें होती हैं कि इसमें स्मेल आती है, लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी फ़िश करी में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने मछली ली है। मछली के मैंने मीडियम पीसेस ले लिए हैं। आप यहाँ पर इसके पीसेस अपने हिसाब से ले सकते हैं और आप इसे बनाने के लिए किसी भी मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली अलग होगी लेकिन प्रोसेस सेम होगा। मछली को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। अभी हमें मछली को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए हम एक लेंगे बड़ा सा बाउल और बाउल में हम ये मछली को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें हल्दी का पाउडर। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। यही है वो सीक्रेट जिससे कि मछली में स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अब हम इसे साइड में रख देंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम लेंगे मसाला बनाने के लिए एक ग्राइंडिंग जार और उसमें हम डालेंगे 10 से 12 करिया लहसुन की, 2 इंच का हम लेंगे अदरक का टुकड़ा जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का टमाटर जिसको हमने बड़े पीसेस में काटा है, और अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, प्याज को हमने बड़े पीसेस में कट कर लिया है, और अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसे साइड में रख देंगे और यहाँ पर मछली भी मैरिनेट हो गई है। इसे मैरिनेट होते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं इसे पका रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल, ज़्यादा ऑयल आपको नहीं लेना है, और यहाँ पर गर्म हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेट की भी मछली डाल देंगे और गैस की फ्लेम हाई करनी है आपको, और 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे जिससे कि मछली में पानी रिलीज होगा और इससे मछली में स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसे आपको ज़रूर करना है, तभी आपकी मछली परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पे मछली से पानी रिलीज़ होने लगा है। अभी हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे जिससे कि इसका कलर ब्राउन हो जाए। यहाँ पे मछली अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी गोल्डन हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने मछली के निकाल लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चलिए अब हम मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम तेल। यहाँ मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मछली बहुत ही बेस्ट बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सरसों के दाने और इसे हल्का सा क्रैकल कर लेंगे, और जब ये क्रैकल हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे, और गैस की फ्लेम हाई करके हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे जिससे कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसी में लहसुन अदरक को ग्राइंड किया है। और अब हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। तो एक चम्मच हम भर के इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी मिर्च और एक चम्मच नमक। नमक आपको ध्यान से डालना है क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी नमक का इस्तेमाल किया है। और मसाले डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे जिससे कि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और इसकी रॉ स्मेल ना रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला भुन गया है, इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगा है, सरफेस पे आ गया ऑयल। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की भी मछली। और मछली डालने के बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और मछली को हम मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे जिससे कि मसाले मछली में अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अभी हमें मछली को 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। गैस की फ्लेम आपको मीडियम कर देनी है। और यहाँ पे मछली पक गई है, अब हम इसमें ग्रेवी लगाने के लिए पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप पानी डाला है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी लगा सकते हैं। और पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। गैस की फ्लेम हाई कर दीजिएगा
और हाई फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे जिससे कि मसालों का फ्लेवर मछली में अच्छी तरह से चला जाए। तो यहाँ पे मछली पक गई है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया, ये ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो टेस्ट बढ़ जाएगा। और धनिया डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मछली बनके तैयार है, तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त मछली बनके तैयार हुई है और इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही है। आप इस रेसिपी को रोटी या चावल के साथ सर्व करिए, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को मेरे मेथड से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी यह रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।